समाज को दे रहे भाईचारे का संदेश। समाज में बढ़ रहे नशा, चोरी, रिश्वतखोरी, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने तहसील कुमराज कृष्णा गार्डन में जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन एलईडी के द्वारा किया। इस विशाल सत्संग में पूर्ण संत की क्या पहचान होती है, परमात्मा साकार है या निराकार, पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा, पूर्ण परमात्मा कौन है और कैसा है, साथ ही साथ कहाँ रहता है, किसने देखा है, कैसे मिलता है, इन सभी प्रश्नों की जानकारी प्रमाणित सहित संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बताई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें आसपास के श्रद्धालु इस सत्संग को सुनने के लिए आए। संत रामपाल जी महाराज ने सत्संगों में बताया कि सर्व सृष्टि रचनहार, सृष्टि का सृजनहार कबीर परमेश्वर, उसका जन्म अपने निज माता पिता के संयोग से नहीं होता, वो परमेश्वर शिशु रूप में सशरीर प्रकट होता है और सशरीर अपने निज लोक व अमर लोक में चला जाता है। आपको बता दें कि सत्संग के माध्यम से संत जी ने बताया कि वही कबीर परमात्मा 625 वर्ष पूर्व इस धरातल पर आकर एक गरीब जुलाहे की भूमिका उन्होंने निभाई थी। सबका मालिक कबीर साहिब जी हैं। जिला सेवेदार करण दास, मीडिया सेवादार कमल दास और तहसील सेवादार मुकेश दास ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य नशा मुक्त भारत बनाना है, मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म करना है, मानव समाज में शांति भाईचारा स्थापित करना है, वहीं सामाजिक बुराइयों को खत्म कर धरती को स्वर्ग बनाना है। सत्संग की में सेवादार विशाल दास, हंसराज दास, राजेश दास, राममोहन दास, शिवदास, भारत दास, पर्वत दास आदि लोग मौजूद थे। फिर भरत क्षेत्र में फिर अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ कि आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, अब उस पहले तो यहाँ से शुरू किया है ना, भील था जो, फिर भील के बाद यू एक इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेकों भाव यानी शरीर धारण किए जीव अनेक योनियों को मारिची वही है रसर देव का पोता और यही आगे चलते ये जीव महावीर जैन बना है। पुत्र मारिची के शरीर से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को गया? ब्रह्म स्वर्ग।